हेलो दोस्तों, आज के डेट में दोस्तों टाटा मोटर का प्राइस 98 रुपीज़ हो चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए? टाटा मोटर एक बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी है दोस्तों, क्या हमें इसे खरीदना चाहिए इस प्राइस पे? क्योंकि कुछ दिन अगर पहले देखते, 1 ईयर का अगर मैं डेटा आपके सामने निकालता हूँ तो दोस्तों ये अबव 150 रहा करता था, मतलब 200 के रेट में ये रहा करता था। ठीक है, ये 1 मंथ का डेटा आपको दिखा रहा हूँ, ये टिल डेट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, 200 को ये टच कर दिया दोस्तों। ठीक है, ये टिल डेट में। तो अब हमें क्या करना चाहिए, टाटा मोटर में खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों? ये वीडियो जो बनेगा वो डेटा और फैक्ट और स्टैटिक्स के हिसाब से बनेगा दोस्तों, क्योंकि जो स्टैटिक्स चल रहा है इंडिया में उसी के हिसाब से हम खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ जो आपके सामने आया है, यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि टाटा मोटर का जो प्राइस गिरा है बिलो 100 रुपीज़, ये दोस्तों 2009 में, सितंबर 2009 में आया था दोस्तों बिलो 100। उसका बाद से आज देख सकते हो 2020 के आसपास आ चुका है दोस्तों, मतलब 10 साल का डिफरेंट है। और उसके बावजूद भी टाटा मोटर वहीं पर चल के आ चुका है जहाँ पर ये 10 साल पहले था। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हमें दिख रहा है, क्या ये सस्ता है या महंगा है? दोस्तों मैं तो अभी भी बोलूँगा स्टॉक का वैल्यूएशन भी अभी ठीक ठाक नहीं है। अगर आप निवेश करते हो तो भाई मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए ऐसे स्टॉक में, क्योंकि टाटा मोटर का जितना भी प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करता है चाइना को, ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करता है चाइना को। यहाँ पर दिखा सकता है दोस्तों, न्यूज़ में आपको बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो यहाँ पर JLR हिट बाई 85% सेल्स डीप इन चाइना, मतलब कि दोस्तों टाटा मोटर्स में यहाँ पर देख सकते हो 85% का जो है सेल्स डिक्रीज़ हुआ है। और ये कोई मतलब बहुत बड़ा बात नहीं है दोस्तों, ये जितना भी हुआ है ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता सकते हैं कि टाटा मोटर का जो प्राइस है इतना ज़्यादा गिर चुका है दोस्तों, ये कोरोना वायरस का ही कमाल है। क्योंकि देखिए, इतना ज़्यादा ये वायरस फैल चुका है कि लोग घर से खाने के लिए, कुछ रोटी लेने तक बाहर नहीं जा रहे, ब्रेड खरीदने के लिए दोस्तों जब लोग बगल वाली दुकान में नहीं जा सकते तो गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम कौन जाएगा? क्योंकि सबसे पहली अगर कोई बात आती है तो हमारे हेल्थ पे केयर करना चाहिए उसको। तो टाटा मोटर एक बार नहीं दोस्तों, कई बार नीचे आया है। और मैं आपको ये भी बोलूँगा दोस्तों, एक कॉल आ रहा है, और एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ टाटा मोटर के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि दोस्तों टाटा मोटर ने 10 सालों में किसी को भी 1 रुपया प्रॉफिट नहीं दिया, 10 सालों में 1 रुपया प्रॉफिट नहीं दिया। और अगर आपके पास से आपका 10 साल छीन लिया जाता है तो सोचिए आपका कितना बड़ा वक्त चला जाएगा। 10 साल के मतलब आप समझ रहे हो, डे प्लस नाइट दोनों मिला के, क्योंकि दोस्तों आधा से ज़्यादा टाइम तो इंसान अपना टाइम को वेस्ट करते करते ही चला जाता है। और भगवान ने इंसान के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला है, वो क्या है, इंसान कितना भी बड़ा हो, चाहे भगवान से भी बड़ा बन जाए, लेकिन उसके पास टाइम लिमिटेड है। वक्त आएगा जिस दिन उसको बदलना पड़ेगा। उसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये जो 10 साल है आपके पास, इससे अच्छा था कि आप फिक्स डिपॉजिट करवा देते, आपको वहाँ पर कम से कम पैसा डबल हो जाता। तो मैं बोलूँगा टाटा मोटर मतलब कि दोस्तों अब दुनिया को एक ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जहाँ पर लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए एक बेटर सिस्टम बनाया जाए। आपको नहीं लगता, आप जब रोड से निकलते हो, जब आप हाईवे पे जाओगे तो आपको रोड क्रॉस करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, बस ये देख के कि कहीं गाड़ी ना आ जाए पार होते होते। सोच लीजिए, जो वहाँ का वृद्ध होगा, जो रोड का वृद्ध होगा दोस्तों, लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रीथ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ब्रीथ कितना है, अगर आप दौड़ के पार हो गए तो मुझे लगता है 1 मिनट लगेगा आपको पार होने में, लेकिन आपको 1 मिनट का रास्ता कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है रोड क्रॉस करने में। क्यों? इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, वो सब अमीरों के पास, एक इंसान के पास दोस्तों 10 गाड़ी है, लेकिन उसको जीने के लिए चाहिए कितना था, केवल एक। एक गरीब है जो लाइफ में उसको पता भी नहीं होता है कि कैसे चलती है ये, सोचिए कहाँ से आता है, कुछ भी नहीं पता, उसको यही पता है कि डस्टबिन से खाना उठाना है और खाना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको लाइफ का टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, तो
तो ऐसे स्टॉक से मैं बोलूंगा भाई दूर रहो, भले ही कल को टाटा मोटर 99 रुपीज से 199 चला जाए, मतलब 200 के आसपास चला जाए, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने रिटर्न 10 सालों में कितना दिया है, हर जगह नेगेटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पर देख लो, अगर सबसे बड़ा रिटर्न की बात करें तो 78.89, मतलब 80% आपका पैसा चला ही गया। और एक चीज़ मैं आपको सीधा से बता देना चाहता हूँ, देखो अगर आप इंटरेस्टेड हो टाटा मोटर में इन्वेस्ट करने के लिए करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बिजनेस मॉडल और हालात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो अगर आप तालाब में, छोटे से तालाब में अगर आप मछली मारोगे, तो भले ही आप अच्छे से मार लोगे, बहुत मतलब आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। अगर मान लो एक दिन भी अगर मानोगे, एक दिन भी अगर आप मछली मार लोगे एक तालाब में, तो बहुत अच्छा से मार लोगे, लेकिन कितना दिन चलेगा बताइए। उस तालाब में लिमिटेड है वो दोस्तों, जो पोंड आपको दिख रहा है वो लिमिटेड है, लेकिन अगर आप समुद्र में मछली मारना सीख जाओगे ना, तो दोस्तों आपको कोई चीज़ हिला नहीं सकती, वो आपको आसमान भी छू सकता है अगर आपने वहाँ पर सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया। तो वही चीज़ दोस्तों मार्केट के अंदर अप्लाई करना चाहिए, हमें उस बिजनेस में पैसा डालना चाहिए जो तालाब की तरह, मतलब पोंड की तरह लिमिटेड ना हो, वो दोस्तों समुद्र की तरह अनलिमिटेड हो, मतलब हमारा पैसा इतना ग्रो हो जाए कि आने वाले दिनों में हमें अच्छा से अच्छा रिटर्न तो मिल जाए। लेकिन ऐसे स्टॉक में नहीं करना चाहिए कि भाई देख लो अगर टाटा मोटर कल के 100 से 200 भी चला जाता है, तो फिर मान लीजिए कि मतलब ये लिमिटेड है, समझ में आ रहा ना, क्योंकि दोस्तों इसका जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो नहीं होने वाला। हमारे इंडिया को और हिंदुस्तान को, जो 125 करोड़ की आबादी है, उसको इफ़िशेंसी और फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए, तब जाके आपको ग्रोथ दिखेगा। अगर आपको अच्छा से अच्छा इन्वेस्टमेंट देखना है, तो इंटरनेट में देखो दोस्तों कितना वहां पर दोहा कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं इंटरनेट को, वहां देखो फूड आइटम में देखो कितना लोग कंज्यूम करते हैं। ऐसे ऐसे चीज में अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल है, तो लाइक करने में तो कंजूसी मत कीजिएगा, अगर फिर भी आप कंजूसी करना चाहते हो तो भाई ऐसे भी लोग हैं जो टीचर उनको पढ़ा तो देते हैं लेकिन फीस नहीं देते हैं, तो उनको क्या कर सकता है टीचर, कुछ नहीं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहते हो तो अच्छी बात है, आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। मैं आपको कंक्लूजन इतना ही बताऊंगा कि टाटा मोटर अगर कल को 150 रुपये भी हो जाता है, तो थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।